राधे राधे, एक और नई वीडियो के साथ आपकी सीमा आपके सामने हाजिर है। तो ये मेरे पास है ना चावल है, चावल बचे हुए चावल है, फ्रेश चावल है, बचे हुए चावल। और ये मेरे पास एक कटोरी सूजी है, सूजी बारीक या मोटी कैसी भी हो सब तरह की चलेगी। ये मेरे पास है ना दो आलू है, इसको मैंने उबाल के ही पहले ही मैश करके रख दिया। ये तो आप सभी जानते हो मीठी नीम की पत्ती है, करी लीफ, ये हो तो आप डालो नहीं तो स्किप कर सकते हो। पैन चढ़ा है उसमें डाल दिया सरसों का तेल, जैसा आप ऑयल खाना चाहे वैसा यूज़ करें। इसमें डाल दिया मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा सफ़ेद जो तिल आते हैं वो डाल दिया, मीठी नीम की पत्ती डाल दी, बड़ी वाली राई डाल दी जिसको सरसों बोलते हैं वही। तो बस इसको चला दिया। आ इसमें डाल दिया वो चावल थे हमारे पास वो डाल दिए। इसमें मैंने डाल दिया एक कटोरी के करीब सूजी। अब इसमें हम डाल देंगे आलू जो हमने मैश करके रखा था ना वही। आलू को अच्छा सा मैश करके रखना है। अब इसमें मैं डाल दिए हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर और थोड़ा सा सौंफ। अब इसमें डालेंगे हम एक कप पानी, जो एक कटोरी हमने ना सूजी लिया था उसके जस्ट दोगुना हमें पानी डालना है। अब इसमें निचोड़ देंगे हम नींबू, आप इस जगह ना अमचूर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस इसमें मस्त सा नींबू डाल दिया। अब इसमें डालेंगे नमक, नमक आप स्वाद के अकॉर्डिंग रखें। अब इसमें मैंने थोड़ा सा डाल दिया जो मैगी मसाला या पोहा मसाला आता है ना, बस वो डालने से क्या है इसमें मस्त ज़बरदस्त स्वाद आता है। अब इसे हमें ना मिला लेंगे, ये फटाफट से मिल गया और सूजी इसके अंदर फूल भी गई। जिस प्लेट में हमें रखना है ना इस बैटर को, उसमें पहले आप ऑयल लगा लें। तेल हम इसीलिए लगाते हैं क्योंकि ये बैटर चिपक जाता है, तो हमें ना ये साफ़ करने बहुत परेशानी आती है। तो इसमें मैं ये पलट लूँगी, ये पलट लिया। अब इसको बहुत अच्छे से मैश करना है। भाई मेरे हाथ तो जल रहे हैं, मैं तो नहीं इसको ऐसे कर पाऊँगी बिल्कुल भी। तो मेरे पास इसका भी सॉल्यूशन है, मेरे हाथ जल रहे हैं तो आपके भी जले। इस तरह की जो कटोरी आती है ना फ्लैट वाली, बस वही इससे अच्छे से मसलना है। इसे यूँ मसलते हैं कि ये जो हम बना रहे हैं वो बहुत अच्छा पेस्ट बनना है। तो बस इसे कटोरी से हमने इसको अच्छे से मसल दिया है। तब तक ये बैटर हमारा ठंडा भी हो चुका है। अब इसको आटे की तरह हम इकट्ठा कर लेंगे। अब इसके बनाएंगे लड्डू, खाने वाले मीठे लड्डू नहीं है इनको, कुछ और बनाने वाले आप वीडियो देखते हैं। ये झारा है, झारा सबके घर होता है ना, बस वही है। अब इसके जो गोल गोल लड्डू बनाए थे ना, अब इसके ऊपर हम इस तरह इसको रख दें, हाथ से हथेली से प्रेस करेंगे एकदम आराम आराम से, जो इसका झारे का जो डिजाइन है ना इस लोई के ऊपर आने वाला है। तो बस ये आप देख रहे हो क्या मस्त है, स्पाइडरमैन जो अपना जाल बनाता है मकड़ी, बस वैसे ही जाल। अगर आपके पास झारा नहीं हो तो आप है ना छुरी से भी इसका डिजाइन बना सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा बन जाता है, लेकिन स्पाइडरमैन तो इसी झारे से ही बनने वाला है। तो फाइनली मैंने सारी लोइयाँ बना के तैयार कर ली है, क्योंकि ये काम पहले कर लूँ वो ज़्यादा अच्छा रहता है, फिर परेशानी आती है। साइड में ऑयल गर्म कर लिया, तो ज़्यादा तेल को ना गर्म नहीं करना है, हल्का से ही रखना है। अब इसमें हम डाल देंगे, और इसको ना आप तुरंत नहीं पलटें क्योंकि टूटने का डर रहता है। अब ये मैंने कुछ पलट दी है क्योंकि तेल मेरा अच्छा सा गर्म हो गया था। आप देख रहे हो एकदम हमें ना गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। इनको मैं फटाफट से निकाल लेती हूँ क्योंकि चावल और सूजी तो फटाफट से सिक जाता है ना। तो बस फाइनली मेरे ये बनके तैयार हो गए। ये मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, लेकिन जो बचे हुए चावल का नाश्ता है ये इससे बहुत मस्त बनने वाला है। आप इसको क्या नाम देना चाहते हैं तो आप मुझे भी बताएं, लेकिन भाई हम तो इसको चावल के टिक्के बोलते हैं। आप खुद जो अच्छा लगे मुझे भी सजेस्ट करना। इनके डिजाइन आप देख पा रहे हो बहुत ही मस्त बने, और जितने अंदर से सॉफ्ट है उतने बाहर से एकदम करारी क्रिस्पी हैं। तो आप कैसे खाना पसंद करेंगे? ये तो मेरे पास इमली की चटनी है, आप इसको ना सॉस से, हरे धनिया की चटनी से, पुदीने की चटनी से, इससे दिल करे आप उससे खा, और इसकी आवाज़ भी बहुत मस्त आने वाली है। और आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक करना। मेरे चैनल को अभी तक जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता है यार, एक दूसरे की मदद हो जाती है बस। और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ, ओहो क्या मस्त बने हैं। आप बेल आइकन घंटे को प्रेस करना तो मेरे नोटिफिकेशन आपकी किचन में बहुत जल्दी आएगा, ताकि ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। बस मैं खा लेती हूँ थोड़ा, फिर आपको बताती हूँ इसका स्वाद कैसा है। तो ये वाह बहुत अमेजिंग। बस चावल आपके पास बचे, आप यही बनाएं, बहाना नहीं करना, और आपको ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आने वाली है। तो आपके चावल बचें तो आप यही बनाओगे। राधे राधे।